हेलो फ्रेंड्स, प्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 15 अक्टूबर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को वर्ष 2021 का विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है? ए 14 अक्टूबर को, बी 11 अक्टूबर को, सी 15 अक्टूबर को, डी 17 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए 14 अक्टूबर को। हम 14 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं। इसका मतलब है जैसे कि ये 14 अक्टूबर को हम इसलिए इस बार मनाए हैं विश्व दृष्टि दिवस, क्योंकि 14 अक्टूबर को सेकंड गुरुवार था और हम विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के सेकंड गुरुवार को मनाते हैं, इसलिए हम 14 अक्टूबर को इस बार पढ़ा है तो हम 14 अक्टूबर को मनाए हैं। हम जान लेते हैं इस बार थीम क्या है। जैसे हम कोई दिवस मनाते हैं तो स्पेशल किसी भी ईयर में एक स्पेशल नारे पर हम जोर देते हैं, तो इस बार इसकी जिसे हम थीम कहते हैं, तो हम इस बार इसकी थीम क्या डिसाइड किए हैं। इस बार इसकी थीम डिसाइड की गई है, अपनी आँखों से प्यार करो। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिएगा, विश्व दृष्टि दिवस इस बार 14 अक्टूबर को मनाया गया है, जो अक्टूबर का सेकंड गुरुवार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हैं? फर्स्ट प्रदीप जिंदल, सेकेंड अरुण सेठी, थर्ड रणबीर गोस्वामी, फोर्थ सज्जन सिंह है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी सज्जन सिंह। जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहे हैं, यही है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन और ये पहले भारतीय बने हैं जो इसमें चेयरमैन बने हैं, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के पहले भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है? ए स्टेफनी टेलर, बी मिताली राज, सी एमी हंटर, डी सना मीर। इसका आंसर है सी एमी हंटर। जैसा कि आपको यहाँ इमेज में भी दिख सकता है, यही है एमी हंटर जी, यह आयरलैंड की हैं, तो यह ऐसा कारनामा करने वाली एक खिलाड़ी बनी है। यह एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में इन्होंने शतक जड़ दिया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं? ए हीथर नाइट, बी एमी हंटर, सी शशिकला श्रीवर्धने, डी झूलन गोस्वामी। इसका आंसर है ए हीथर नाइट। यह जो हीथर नाइट हैं, यह इंग्लैंड की कप्तान हैं। चलिए बता देते हैं, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। फ्रेंड्स, ये जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये 2021 से स्टार्ट किया गया है ICC की तरफ से। ये हर मंथ किसी बेस्ट खिलाड़ी महिला और बेस्ट खिलाड़ी पुरुष को ये दिया जाता है। अभी तक दे चुके हैं सितंबर तक, तो फ्रेंड्स इसकी वीडियो जल्दी आएगी सेपरेट कि किसको प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चुने गए? देखिए फ्रेंड्स, वैसा ही क्वेश्चन आ गया, पर ये पुरुष के बारे में पूछा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए अहमद शहजाद, बी संदीप लमिझाने, सी साकिब अल हसन, डी एडन मार्करम। तो इसका आंसर है बी संदीप लमिझाने। तो फ्रेंड्स, ये जो संदीप लमिझाने हैं, ये नेपाल के हैं। तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, जो यूपी से टच है, यूपी बिहार उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सिक्किम, इन पांच राज्यों से यह टच है नेपाल हमारा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितने हफ्ते कर दी है? ए 21 हफ्ते, बी 22 हफ्ते, सी 24 हफ्ते, डी 27 हफ्ते। इसका आंसर है सी 24 हफ्ते। पहले जो यह गर्भपात की सीमा थी, ये सिर्फ 20 हफ्ते थी, बट फ्रेंड इसको अब केंद्र सरकार ने बदल कर 24 हफ्ते कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में अलेक्जेंडर सोलनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? ए जर्मनी, बी ब्राजील, सी ऑस्ट्रिया, डी फ्रांस। इसका आंसर है सी ऑस्ट्रिया। अब चलिए फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रिया की बात है, जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, ब्राज़ील के लगे, इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की बात है तो बता देते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के नए CEO बने हैं? ए रविंद्र सिंह प्रजापत, बी अरुण कुमार मिश्रा, सी अशोक कुमार मीणा, डी बहादुर सिंह दोगुड़ा। तो इसका आंसर है बी अरुण कुमार मिश्रा। जैसा कि आपको इमेज में देख सकते हैं, यही है EESL के अध्यक्ष जो CEO बने हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका आंसर है ए हरियाणा। ये जो हरियाणा है इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के CM मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ पर अब जो सरकारी गवर्नमेंट जो इम्प्लॉय होंगे वो राजनीतिक और चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, इन पर कार्रवाई होगी अगर ऐसा किया। जो राजनीतिक दल बनाने वाली पार्टियाँ उनमें बिल्कुल उनका हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी चीन, डी रूस। इसका आंसर है बी जर्मनी। ऐसा जर्मनी ने किया है, पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है जर्मनी ने। तो चलिए बताते हैं, जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रखें, इसका आप जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको बताना है, हाल ही में कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है? ए स्टेफनी टेलर, बी मिताली राज, सी एमी हंटर, डी सना मीर। चलिए फ्रेंड्स, इसको हमने ऊपर पढ़ा है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसे ही आपको अपडेट डेली मिलते रहेंगे। तो चलिए, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।